हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे प्रज्ञान दिनाली के दूसरे वीडियोस में। ये बेसिकली मैं 3-4 वीडियोस का सीरीज बनाने वाला हूँ। पहला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी के थ्रू घटना का समय निर्धारण कैसे किया जाए। तो पहले में हमने शनि के बारे में बात किया था, आज के वीडियो में हम लोग बृहस्पति की बात करेंगे, अगले वीडियो में राहु केतु, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके नेक्स्ट एडवांस रूल्स बताऊंगा, जैसे कि वक्री ग्रह है, रेट्रोग्रेशन है, तो उसके क्या नियम है, ठीक है, और डिग्रीज को कैसे यूज करें प्रोग्रेशन में। तो ये स्टार्टिंग है, जो 3 वीडियोस हैं बहुत बेसिक है, इसमें ना मैं कोई डिग्रीज का यूज करने वाला हूँ फिलहाल, ना हम लोग कुछ अभी स्पेशल केसेस लाइक रेट्रोग्रेशन का ये सब चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक वीडियो इसलिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग भृगु नंदी नाड़ी में समय गणना कैसे होता है, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को हम लोग कैसे हम लोग देखते हैं। शनि का हमने देखा 30 साल का एक साइकिल होता है, ठीक है, और उस पूरे 30 साल में ढाई ढाई साल का हमारा एक एक हाउस वो मूव करता है। सेम ऐसे ही बृहस्पति के लिए 12 साल का एक साइकिल होता है, अप्रोक्सीमेटली 12 साल का साइकिल। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको अपने चौथे वीडियो में आपको बताऊंगा, जो डिग्री वाइज हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए मान के चलें कि ऑलमोस्ट 12 साल का एक साइकिल रहता है। मतलब कि हम लोग भृगु नंदी नाड़ी में दो फेजेस में टाइमिंग ऑफ इवेंट को देखते हैं, लाइक वैदिक में आप देखते हैं ना विंशोत्तरी महादशा और विंशोत्तरी अंतरदशा, ओके, महादशा अंतरदशा, सेम ऐसे ही इसमें मेजर प्रोग्रेशन माइनर प्रोग्रेशन, ठीक है। मेजर प्रोग्रेशन बृहस्पति का 12 साल का रहेगा एक हाउस में, ठीक है, और जो माइनर प्रोग्रेशन होता है वो एक एक साल मूव करता जाता है, और 12 साल में वो पूरा एक अपना जो एक साइकिल कवर करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट साइकिल में अगर मान के चलते हैं कि अगर आपका बृहस्पति अगर वृषभ राशि में है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट साइकिल रहेगा प्रोग्रेशन का, मेजर मेजर प्रोग्रेशन का जो साइकिल है वो 12 साल तक वो आपके वृषभ राशि में का ही रिजल्ट देने वाला है, बट उन 12 साल के अंदर अपने माइनर प्रोग्रेशन में वो एक एक साल एक एक आगे मूव करेगा। लाइक पहले उस 12 साल के पहले साल वृषभ राशि का रिजल्ट, उसके बाद दूसरे साल में वो मिथुन का रिजल्ट, फिर कर्क का, कन्या का, ऐसे करके वो मेष में जब पहुंचेगा तो अपना वो 12 साल खत्म करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका पूरा एक साइकिल खत्म हो, है ना, जैसे कि आप इसमें ये चार्ट में आप देख पा रहे हो, मैं मार्क करता हूँ इसको, कि फर्स्ट साइकिल वो जहां पर प्लेस्ड है पहले हाउस का वहीं का रिजल्ट देने वाला है, सेकेंड साइकिल माइनर प्रोग्रेशन में दूसरे हाउस का रिजल्ट देगा। ऐसे जब वो पूरे अपने 12 राशियां कवर कर लेगा तो हमारा एक साइकिल का काम होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में हमने माना कि हमारा बृहस्पति वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में वो 12 साल तक एक फर्स्ट साइकिल उसका चलेगा। 12 साल के बाद क्या, जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट होता है तो यही बृहस्पति आपका मूव कर जाएगा, ठीक है, ये आपका मूव करके आपका ये नेक्स्ट हाउस में आपका मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे वृषभ राशि में है तो उसका सेकंड साइकिल मिथुन राशि से स्टार्ट होगा, ठीक है, 12 साल के लिए। थर्ड साइकिल उसका मिथुन के बाद उसका कर्क राशि में स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल फोर्थ होगा, वो कर्क के बाद सिंह राशि में साइकिल स्टार्ट होगा। तो जब वो अपने अपने एक एक राशि मूव करेगा हर 12 साल में, तो 12 साल तक वो मेजर वो उस राशि के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट गणना करेंगे, बाकी माइनर प्रोग्रेशन अपना हर साल वो चेंज करते रहे, ठीक है। ये इस तरह की कैलकुलेशन है, इजी है, ये टेबल आपके सामने है ताकि आपके मन में वो फिक्स रहे। पहला साइकिल 12 साल का, उन 12 साल के अंदर वो जहां पर जुपिटर है एक साल, दूसरे साल दूसरा हाउस, तीसरे साल तीसरे हाउस, ऐसे करके मूव करता रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आपको मोटा मोटा आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर यही मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाऊं, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था मैं उसी को ही आगे इसमें एक्सटेंड करता हूँ। ये आपके सामने एग्जाम्पल है हार्ट प्रॉब्लम, यही सेम एग्जाम्पल मैंने शनि वाले वीडियो में भी लिया था, यही सेम एग्जाम्पल मैं अभी जुपिटर के लिए भी लेता हूँ। शनि में आपको 2.5 साल का इवेंट समझ में आया, यहाँ पर आपको ईयरली इवेंट कैसे निकालने ये पता लगेगा, ठीक है। बाद में इसी को हम लोग राहु केतु के साथ आगे प्रोग्रेशन में मर्ज करेंगे तीसरे वीडियो में। तो अभी हमने लास्ट में हमने वीडियो में देखा था कि ये चार्ट है जिसमें 24वें साल में उसको हार्ट अटैक या हेल्थ रिलेटेड समस्या उसको मिली, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जुपिटर 12 साल तक एक राशि में रहेगा, ठीक है,
12 साल तक। अब ये जो जुपिटर आप देख पा रहे हैं, उस कुंडली में ना वकरी है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैंने वकरी का रूल नहीं बताया था, बट मैं आपको यहाँ पर जनरल आइडिया बता दूं कि वकरी गुरु जब रहेगा तो उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ दो तरीके के आपको ओपिनियन मिलेंगे। पहला, लोग कुछ लोगों का ये कहना है कि जुपिटर वक्री है तो उसका प्रोग्रेशन उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वृश्चिक है फिर तुला में जाएगा, कन्या में जाएगा, सिंह में जाएगा, फिर कर्क में, मिथुन में, ऐसे करेगा, जो कि गलत तरह से। ऐसा प्रोग्रेशन नाड़ी में कहीं नहीं यूज होता है, ठीक है। राहु केतु को छोड़ के बाकी सारे ग्रह कभी भी अपने प्रोग्रेशन उल्टा नहीं करते, पूरा पूरा जोडियक साइकिल कभी भी उल्टा वो ट्रेवल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ओपिनियन ये है कि गुरु अगर वक्री है तो गुरु को हमने पिछले राशि में लिया तुला राशि में, तुला से हमने सारा प्रोग्रेशन चलाया। समहाउ ये फिर भी ठीक है, बट इसमें भी गड़बड़ है। जब हम नाड़ी प्रोग्रेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट नाड़ी प्रोग्रेशन की, तो उसमें रूल है। शनि के लिए अलग रूल है, गुरु के लिए अलग रूल है, राहु केतु के लिए अपने अलग नियम चलते हैं, बाकी इसके अलावा बाकी ग्रह अगर वक्री होते हैं तो उनके लिए एक अलग नियम है, ठीक है। राहु केतु हमेशा ही वक्री है, सूर्य चंद्रमा वक्री होते नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ के मंगल बुध और शुक्र के वक्र तो होने पे उनके नियम थोड़े से इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं गुरु का आपके बता दूं कि गुरु अगर वक्री नहीं है तो उसका प्रोग्रेशन ऑब्वियस से यहीं से स्टार्ट होगा ना। पहले 12 साल वो वृश्चिक का ही रिजल्ट देने वाला है और माइनर प्रोग्रेशन वो एक एक हाउस में होकर, ठीक है। उसके बाद वो वृश्चिक से सेकंड प्रोग्रेशन जब स्टार्ट होगा 12 12 साल, वो धनु में जाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पर वक्री होने की वजह से क्या होता है, वक्री का नियम यह है गुरु के साथ स्पेशली कि वो स्टार्टिंग के 12 साल वो वृश्चिक का ही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग के 12 साल वृश्चिक का रिजल्ट, नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो उसका होगा वो तुला में होगा, ठीक है। तीसरा प्रोग्रेशन जो उसका होगा वो धनु में होगा, धनु के बाद वो अपने नॉर्मल मूवमेंट में चलेगा। धनु के बाद वो मकर में आएगा, फिर कन्या में आएगा, वृश्चिक में, मीन राशि में जाएगा, ठीक है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, ऐसे करके मूव करेगा। डिफरेंस क्या है, वक्री अगर गुरु है तो पहले 12 साल स्कॉर्पियो का रिजल्ट, अगले 12 साल तुला का रिजल्ट, फिर 12 साल धनु का रिजल्ट, ओके। उसके बाद से फिर अपन नॉर्मल मूवमेंट में चलेगा। ये शनि का नियम, गुरु का नियम है। शनि में वक्री होने पे थोड़े से डिफरेंस है, ये बताएंगे। ये हालांकि ये सब चीज़ें अपने कोर्स में डिटेल में हम लोग कवर करते हैं, आप मतलब कोई इंटरेस्टेड है इसको डिटेल में भृगुनंदिनी नाड़ी कोर्स करने में। अभी हिंदी बैच हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप लोग उसके लिए एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी गुरु का जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रेशन पहले 12 साल यहाँ हुआ, अगले 12 साल वो तुला से चलने वाला है, ठीक है। और इस चार्ट के लिए हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो 24वें साल में इसके साथ हुआ। 24वें साल का मतलब अगर वो टेबल आप देखोगे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, 24वां साल जो है वो सेकंड साइकिल में पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट साइकिल में 1 से लेके 12 साल, सेकंड साइकिल में 13 से लेके 24 साल, ठीक है। तो सेकंड साइकिल वक्री है जुपिटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो 24वां साल कहाँ पड़ेगा, 13वां साल आपका पड़ा किसमें, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो 24वां साल में गुरु जो है, वक्री गुरु जो था 24वें साल में माइनर प्रोग्रेशन, मेजर प्रोग्रेशन तो लिब्रा में ही चलने वाला है, माइनर प्रोग्रेशन में वो कन्या में आया, ठीक है। जब कन्या में आया वो, तो अब इसको आप समझें कि जब वो कन्या में आएगा तो भृगुनंदिनी नाड़ी नियम के अकॉर्डिंग उसके योग कैसे बनेंगे। कन्या में आने पे वो ऐसा योग बनाएगा, राहु के साथ कॉम्बिनेशन रहा सूर्य का, और यहाँ पर 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमारा मेनली राहु और सूर्य का बना, ठीक है। राशि आप इसमें देख पा रहे हैं वो है कन्या राशि। कन्या राशि का मतलब हो गया इसका डिस्पोजिटर कौन है,
आपका बुध, ठीक है, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, राहु, ये आपके कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है, और राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड। कन्या राशि है, नेचुरल काल पुरुष कुंडली में वो हेल्थ इश्यूज को सिग्निफाई करता है। दूसरा सूर्य है वो कारक भी है, ठीक है, हार्ट डिजीज इन सब के लिए। शनि में भी सेम कॉम्बिनेशन बन रहा था, गुरु में भी वही सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब राहु केतु में देखेंगे तो वहां भी सेम कॉम्बिनेशन ही बनेगा, तभी लाइफ में इवेंट होता है। तो कोई भी लाइफ में आप इवेंट होगा तो सबसे पहले शनि का प्रोग्रेशन आप चेक करेंगे, जो कि 30 साल का मेजर प्रोग्रेशन और 2.5 साल का माइनर प्रोग्रेशन दिखाएगा। उस 2.5 साल के अंदर, उन 2.5 सालों में किस साल होने वाला है, ये आपको राहु केतु और जुपिटर प्रोग्रेशन से आपको प्रिसाइजली मिल जाता है, ना कोई दशा देखने की जरूरत ना कुछ, ठीक है। इससे आप फटाफट आप इवेंट पता कर पाएंगे। और कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला कि राहु सूर्य बुध से हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, ये कैसे हम करते हैं, 159 का क्या मतलब है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है योग निर्माण के ऊपर, आप लास्ट वीडियो आप चेक करें। और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो कोर्सेज में ये हमारे बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत डिटेल में इसको हमने एक्सप्लेन किया कि योग कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सरल अध्ययन है, रुग्णवेदी नाड़ी आप लोग को सीखना चाहिए, फटाफट प्रिडिक्शंस होती हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कम है, ठीक है, और प्रोग्रेशन यूज करना बहुत आसान। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ सजेशंस हैं आप, किस तरह का आपको, किस इवेंट से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रुग्णवेदी की नाड़ी में आपको वीडियो में चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद।